कि हम सिंदूर और बिंदी लगा करके किसी स्त्री का प्रतीक, किसी पुरुष का प्रतीक चिन्ह धारण किए हुए हैं, हम उसकी संपत्ति हैं। और जब तक ये यकीन हमारा बना रहेगा तब तक इस ब्राह्मणी व्यवस्था, ब्राह्मणवाद के हम शिकार बने रहेंगे। आप लोगों के घरों में ईमानदारी से कहिए कि किस तरह की पत्रिकाएं आती हैं, कितनी पत्रिकाएं आती हैं, उन कितनी पत्रिकाओं में कितनों का हम पाठ करते हैं और उन पत्रिकाओं से आपस में कितना वार्तालाप करते हैं, कितना मेरा आसपास का एनवायरनमेंट पारंपरिक है और मेरे आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करने में मेरी क्या भूमिका है, ये कोई दूसरा करके नहीं देगा। इसके लिए सबसे पहले जिसको बुद्ध अत्यधिपो भव कहते हैं, गौतम बुद्ध ने उन 10 सवालों का जवाब ही नहीं दिया जिसमें पहला सवाल था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। अरे भाई, ये सारे काम करके हम समर्थन ही तो दे रहे हैं, उनकी बातों को हम सेकंड कर रहे हैं कि यस यू आर राइट, कि हम सिंदूर और बिंदी लगा करके किसी स्त्री का प्रतीक, किसी पुरुष का प्रतीक चिन्ह धारण किए हुए हैं, हम उसकी संपत्ति हैं। अंबेडकर और भोले, इन दोनों ने शास्त्रों पर जिस तरह से अटैक किया, और डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम समय तक आते आते जो 22 प्रतिज्ञाएं करते हैं उस पर वो सारी के सारी ईश्वरीय जो सत्ता है उसको ध्वस्त करके रखते हैं। हम में से हर एक कोई, केवल स्त्री नहीं पुरुष भी, अपने भीतर से सवाल करे कि ईश्वर की सत्ता पर क्या मैं आज भी यकीन करता या करती हूँ। और जब तक ये यकीन हमारा बना रहेगा तब तक इस ब्राह्मणी व्यवस्था, ब्राह्मणवाद के हम शिकार बने रहेंगे। हम उसको अवेल नहीं कर रहे हैं, हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम उसके शिकार हैं। वो जो चाहे सो हमसे करवाता रहेगा। तो सबसे पहले हमें अंबेडकर की उन 22 प्रतिज्ञाओं को, जो बौद्धिज्म के दौरान, और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, ये इतिहास में दर्ज है, ये इतिहास में दर्ज बात है कि जिस दिन दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था 14 अक्टूबर 1956 को, नागपुर का दीक्षा भूमि मैदान चूड़ियों, मंगलसूत्रों, बिछियाओं, ये जितनी भी पितृ सत्तात्मक प्रतीक थे इन सब से पट गया था, क्योंकि औरतों ने वो फेंक दिया। उन महिलाओं ने, जिन महिलाओं ने अपने भीतर एक चेंज लाने की कोशिश की, और निश्चित तौर पर ये बहुत पिटा पिटाया वाक्य हो गया है आजकल, कि डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना उस समाज की औरत की स्थिति है, वो जितनी एम्पावर्ड है समाज उतना ही एम्पावर्ड होगा, उतना ही सशक्त होगा। तो हम लोगों को केवल, मैं स्त्रियों से इस तरह की अपेक्षा नहीं कर सकती, मेरी ज़्यादा अपेक्षा पुरुष साथियों के साथ होती है फुले अम्बेडकरी मूवमेंट में, कि वो अपने घर में जाकर के, आप लोगों के घरों में ईमानदारी से कहिए कि किस तरह की पत्रिकाएं आती हैं, कितनी पत्रिकाएं आती हैं, उन कितनी पत्रिकाओं में कितनों का हम पाठ करते हैं और उन पत्रिकाओं से आपस में कितना वार्तालाप करते हैं, वैचारिक वार्तालाप मेरे घर में कितना होता है। और जो टीवी जनित चीज़ें आती है उस पर हमारा वार्तालाप कितना होता है, कितना मेरा आसपास का एनवायरनमेंट पारंपरिक है और मेरे आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करने में मेरी क्या भूमिका है, ये कोई दूसरा करके नहीं देगा। इसके लिए सबसे पहले जिसको बुद्ध अत्यधिपो भव कहते हैं, वो पहले खुद के साथ करना होता है, चाहे वो इधर का हिस्सा हो या इधर मुझे कहना पड़ रहा है क्या करूं, ऐसा ही देख रही हूँ। तो ये दोनों का दोनों, जो जब तक मेरे घर का पुरुष,
जिस वैचारिकता को खुद समझता, बहुत शिकायत करते हैं कि स्त्रियाँ हमारे साथ सहयोग नहीं करती, फलाना नहीं करती, ठिकाना नहीं करती, आप उनके साथ कितनी बात करते हैं? जिन 22 प्रतिज्ञाओं की बात करें, पहली जो प्रतिज्ञा है उसी पर हम कितना खरा उतरते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को। बहुत अच्छा कहा उस बच्ची ने अभी कि उसने अपने बच्चे को तो नहीं पहचाना, और त्रैलोक्य का ईश्वर कहलाता है। क्या होता है त्रिलोक, क्या होता है स्वर्ग नर्क, किसी ने देखा? इसलिए गौतम बुद्ध ने उन 10 सवालों का जवाब ही नहीं दिया, जिसमें पहला सवाल था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। अरे भाई, आपको वर्तमान जीवन जीना है या इसके बाद का जीवन जीना है, या इसके पहले का जीवन याद करना है? तो ये तमाम तरह के, कभी आप लोगों के साथ फुर्सत में बुलाया जाए ज़रूर, तो हाँ मैं बंद कर रही हूँ, कभी आप लोग फुर्सत से बुलाएं तो ज़रूर एक लंबी चर्चा करेंगे। पर मैं अभी इस सवाल को आप लोगों के सामने छोड़ कर जा रही हूँ कि इन परंपराओं को और ब्राह्मणवाद से मुक्त होने के लिए आप खुद कितने प्रयास कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।